डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो उसका ये पार्ट वन है। पार्ट वन में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और रहे से क्वेश्चन को हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा बातें ना शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। So here is your first question, dear students. आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। एक्सरसाइज को रिज्यूम करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर इट्स लॉज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और इसके लॉज क्या हैं, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फेनोमेनन आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को, इस फोटो को थोड़ा गौर से देखिएगा। हम सब ने कभी ना कभी बचपन में मिरर को पकड़ के धूप में खड़े होकर ऐसे काम जरूर किए होंगे, जहाँ सूरज की तरफ से आती हुई लाइट को जो है ना, हम मिरर से रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, उसकी जो फिर जो शाइन है वो एक दूसरे के फेस पे बचपन में मारते थे। तो इस फोटो के अंदर भी लड़का यही कर रहा है कि सूरज की जो लाइट है वो बाहर से आ रही है, तो मिरर के माध्यम से उस लाइट को यहाँ पे जो है एक वॉल के ऊपर जो है फेंक रहा है, तो वहां पे एक जो है वाइट सी जो है इमेज देखने को मिल रही है। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो बोलते हैं। तो आइए अब इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वास्तव में ये क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द स्मूथ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस होती है जैसे आपका वाइट बोर्ड जो होता है, ये भी एक तरह की स्मूथ सरफेस है। जैसे आपका मिरर होता है, ये भी स्मूथ सरफेस होती है, जो रफ नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होती है। तो जब ऐसी स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ती है तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट। जैसे भी सूरज की तरफ से ये लाइट आ रही है, तो यहाँ पर पड़ने के बाद में क्या हो रहा है, सूरज की तरफ से लाइट क्या आ रही है, यहाँ से लाइट जो है ये आ रही है, और यहाँ पर पड़ने के बाद में लाइट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, जैसे ही लाइट इस मिरर की तरफ स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देख लेते हैं इस फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो इसको देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये मिरर, ये आपका मिरर आ गया, ये क्या है, मिरर है, और यहाँ से इंसिडेंट लाइट, जो सूरज की तरफ से आती हुई लाइट है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे। तो ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट, जो फर्स्ट वाली रे है ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। और इसकी बात करें तो ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड, मतलब यही लाइट जब प्लेन की सरफेस को स्ट्राइक करती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो अगर मैं इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रा करूं, यानी प्लेन की सरफेस के साथ में एक 90 डिग्री खींचूं, तो मुझे देखने को मिलता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाले एंगल के बराबर होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आर से लिखते हैं। और ये दोनों एंगल जो है ये सेम होते हैं, यही होता है इसका फर्स्ट लॉ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो इसके दो लॉ होते हैं। पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, कि एक ही प्लेन के ऊपर ये तीनों चीजें लाई करती हैं, जिसमें इंसिडेंट रे भी आती है, रिफ्लेक्टेड रे भी आता है, नॉर्मल प्लेन, ये सारे का सारा एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। जब भी रिफ्लेक्शन होती है, जब आप उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, आप देखोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मान लेते हैं यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, और अगर मैं इसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल आई, ठीक है, और इसको बोलेंगे एंगल आर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, एंगल आई और एंगल आर सेम होंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी एंगल आई एंगल आर जो है वो सेम होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लास टेंथ की बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, लॉन्ग आंसर के अंदर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर इट्स लॉज। तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो इस प्रकार डायग्राम के साथ में इसको लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर इट्स लॉज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है और इसके लॉज क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो इस फेनोमेनन को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर मैं पानी के अंदर, ग्लास के अंदर, अगर मैं ग्लास के अंदर पानी लूं और उसमें पेंसिल डुबाऊं, तो मुझे ना पेंसिल आगे से बेंड हुई होती हुई दिखती है, ऐसा लगता है मानो पेंसिल आगे से थोड़ी सी बेंड हो। या फिर दूसरी एग्जांपल, अगर आप पानी में कोई सिक्का फेंकते हो और आप फिर हाथ से उस सिक्के को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो आप पाओगे कि सिक्का वहां नहीं होगा जहां दिख रहा होगा। ठीक है जी, ये क्यों होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, मतलब हवा से पानी की तरफ जाती है ऐसे बोल सकते हैं, जब पानी से हवा की तरफ जाती है, तो जैसे ही वो क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी, तो वो बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए ये बाहर हवा है, बाहर क्या है, एयर। यहाँ क्या है, ये सारी एयर है, सारी क्या आ गई, एयर। ये सारी क्या होगी, एयर। ये सारी सारी क्या है, एयर। और बीच में इधर क्या है, इधर है वाटर। तो जैसे ही इंसिडेंट रे यानी सूरज की तरफ से आती हुई लाइट, जब सोर्स की तरफ से आती हुई लाइट या हवा में से होती होते होते जैसे ही पानी में आती है, तो ये क्या होती है, बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बेंड टू वर्ड्स द नॉर्मल। तो इस बात को याद रखिएगा कि जैसे हवा से पानी में आएगी, जहाँ रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर मतलब हवा होगी, जैसे वो डेंसर मतलब जैसे ग्लास स्लैब हो गया या पानी हो गया, तो जैसे ही रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ये नॉर्मल की तरफ जो है ये बेंड करेगी, ठीक है। और वैसे ही जब डेंसर से रेयर मीडियम से बाहर की तरफ जाएगी, तब जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर मैं इसको नॉर्मल यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लेता हूँ, तो ये क्या करेगी, इस साइड बेंड करेगी। तो दो चीजें होती हैं डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे ही हवा से पानी की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और अगर पानी से हवा की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर जो है वो हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो जो लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो बेंड हो जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लॉज की बात करें तो इसके लॉ भी यही होता है कि इंसिडेंट रे, जैसे ये वाली रे जो है ये इंसिडेंट रे, और ये आपकी कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रही है ना, बेंड हो रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये जो नॉर्मल है ये सारे के सारा सेम प्लेन पे लाई करता है, ठीक है जी। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो दूसरा है ये कहता है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि अगर आप साइन आई और साइन आर की रेशियो निकालोगे तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आती है, और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसी को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो जे लाइट जब यहाँ पे आ रही थी, ये कौन सा एंगल बनाई नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट जो है, ये वाली जो लाइट है जो रिफ्रैक्ट हो रही है रे, ये बनाएगी नॉर्मल के साथ में एंगल आर, ठीक है। और जब आप इनकी रेशियो निकालोगे साइन आई ओवर साइन आर, तो आप पाओगे कि दोनों की रेशियो जो है वो कैसी आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। आई होप सो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो समझ में आ गया होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी तीसरा फेनोमेनन को हम देखने जा रहे हैं और वो होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम धूप में अपने ऐसे स्केल को पकड़ के धूप में करते हैं, तो उसमें से भी 7 कलर्स जो है वो अपेरेंट होते हैं, दिखते हैं। तो क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कौन से प्रोसेस को है, तो देखिए
When white light is passed through a glass prism, it splits into seven color known as dispersion of light. तो क्या होता है, white light वो light होती है जिसमें seven colors एक साथ present होते हैं. अगर हम सात कलरों को एक साथ मिक्स करेंगे तो हमको एक व्हाइट लाइट देखने को मिलती है. ठीक है, तो सूरज की तरफ से आती हुई जो लाइट है ये व्हाइट लाइट होती है क्योंकि इसमें सेवन कलर होते हैं. जब हम उस व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म में से पास कराते हैं तो ये सात कलर में डिवाइड हो जाती है. आइए आपको फोटो में दिखाते हैं. ये देखिए, ये व्हाइट लाइट जब इस प्रिज्म में से गुजरेगी तो सात कलर में डिवाइड हो जाएगी. इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ठीक है जी. और व्हाइट लाइट कंटेन्स सेवन कलर्स विच हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड हेंस द स्पीड ऑफ ईच कलर इज डिफरेंट. ये जो सात कलर होते हैं इनकी वेवलेंथ्स जो है ये अलग अलग होती है और इसीलिए इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है. अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो सात कलर होते हैं ये सेम स्पीड के साथ में नहीं चलते. इनकी जो स्पीड है चलने की वो अलग अलग होती है, इनकी वेवलेंथ पर निर्भर करता है. जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्पीड भी कम होगी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं. When white light passes through glass prism due to refraction, it splits into seven colors and we obtain spectrum called vibrio. जब white light prism में से पास करती है तो वो सात कलर में डिवाइड हो जाती है तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, एक इंद्रधनुष जैसा मिलता है जिसको हम बोलते हैं vibrio, शॉर्ट में vibgyor. V का मतलब होता है violet, B का मतलब होता है blue, G का मतलब होता है green, Y का मतलब yellow, O का मतलब orange, R का मतलब red. तो आप फोटो में भी देख सकते हो वेव क्योर इस कलर, ये वायलेट कलर है, जे आपका इंडिगो है, देन ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रिज्म है और ये वाइट लाइट है. आइए देखते हैं. वायलेट कलर हैज स्मॉलर वेवलेंथ एंड डेविएट्स मोस्ट, वाइल रेड कलर हैज लार्जर वेवलेंथ एंड इट डेविएट्स लीस्ट देन एनी अदर कलर. सबसे नीचे जो कलर है वायलेट कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है. ठीक है, मतलब बहुत स्लो चलता है. और अगर मैं बात करूं कि सूरज की तरफ से इसकी इंटेंसिटी यानी अमाउंट की बात करें वो भी अलग अलग होती है. इन कलर्स की जो सेवन कलर्स सूरज की तरफ से एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो इनकी इंटेंसिटी भी वेरी करती है. तो वायलेट कलर की इंटेंसिटी कम होती है. तो अगर मैं ऐसे बात करूँ तो वायलेट कलर बहुत ही स्लो चलता है, इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए सबसे ज्यादा एंगल पे डेविएट होता है. अगर मैं प्रिज्म रखूं तो सबसे ज्यादा एंगल पे, सबसे नीचे इसीलिए आता है क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएट हो जाता है, सबसे ज्यादा अपना रास्ता जो है ये चेंज कर लेता है, ज्यादा एंगल जो है ये बनाएगा. तो ये वायलेट कलर, और सबसे ऊपर सबसे तेज जो कलर चलता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है और जो अपना रास्ता नहीं भटकता बिल्कुल चलता है, तो वो है रेड कलर. कौन सा कलर होता है जी? रेड कलर. इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी इसके अंदर समझ आ गया होगा. आइए आगे बात करते हैं. व्हाई डू स्टार ट्विंकल प्लैनेट डू नॉट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बात की है कि जैसे ही लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है. तो ये फेनोमेनन भी जो है उसी से रिलेटेड है. तो आइए देखते हैं. Why do star twinkle? The distance of star is very large from the earth. अब देखिए, ये आदमी मतलब अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो स्टार्स जो है वो धरती से कोसों दूर है, तो धरती से कई गुना दूर है, बहुत ज्यादा दूर है. वास्तव में स्टार साइज में बहुत बड़े होते हैं लेकिन दूरी के कारण क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं. हमको ऐसा लगता है स्टार छोटा है बट वास्तव में स्टार छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है. तो स्टार का डिफरेंस जो है वो धरती से बहुत ज्यादा होता है. इसके कारण क्या होता है, द लाइट विच कम्स फ्रॉम द अर्थ हैज टू गो थ्रू रिफ्रैक्शन सेवरल टाइम्स बिफोर रीचिंग अवर आइज. तो जो लाइट इन स्टार से आ रही है हम तक, उसको कई बार रिफ्रैक्शन होती है. किसके कारण होती है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है जी, बहुत सारी जो है वो स्फीयर जो है इसके अंदर होती हैं. और ये जो स्फीयर हैं इसके अंदर होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, गैसेस, तो वो सारे एक प्रिज्म का काम करते हैं. इसका काम करते हैं प्रिज्म का काम करते हैं. तो जैसे ही स्टार की तरफ से लाइट आएगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगी, फिर रिफ्रैक्शन. अब ये रिफ्रैक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की रिफ्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगी. कई लेयर के अंदर हो सकता है बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये अपना रास्ता चेंज करते 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 जो है वो यहाँ तक दिख रही है। तो वास्तव में अगर ये जो लाइट है ये इस स्टार को देखने की कोशिश कर रहा है, तो लाइट क्या कर रही है, आते 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 ऐसे इसने क्या किया, अपना रास्ता बदला। मुझे कलर लेने दीजिए, ये देखिए अब इस लाइट को देखिए, ये लाइट क्या कर रही है, यहाँ से आते 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 हाँ, इसके बाद ये सीधी ही इनकी आईज पे एंटर कर रही है। अब ये सीधी जब इसकी आईज पे एंटर करेगी तो इसको स्टार कहाँ दिखाई देगा, अपेरेंट पोजिशन। इसको स्टार की लाइट यहाँ से, स्टार को यहाँ से दिखेगा, इसको लग रहा है कि स्टार यहाँ पे है, पर वास्तव में स्टार यहाँ नहीं होता, स्टार कहाँ होगा, स्टार यहाँ कहीं होगा, ठीक है जी। तो इसके कारण बहुत बड़ी नंबर ऑफ रेज, बहुत सारी रेज जो है, बड़ी सारी लाइट जो है स्टार से कंटिन्यूसली आती रहती है और हमको लगता है स्टार जो है वो जगमगा रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अपेरेंट पोजिशन, जहाँ हमको स्टार दिखाई देता है वास्तव में वहां नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। जैसे अगर मैं पानी में कोई सिक्का फेंक दूं और फिर उस सिक्के को वहीं से निकालने की कोशिश करूं, तो वो अपनी जहां भी वो ओरिजिनल होता है वहां उससे थोड़ा आगे या पीछे होगा। तो ये एक आंख का भ्रम भी होता है कि जो चीज वहां दिख रही है वहां पे नहीं होती। किसके कारण होता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत फेनोमेना है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया कि स्टार जो है वो क्यों ट्विंकल करते हैं, क्यों, क्योंकि लगातार रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। किसके कारण होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो प्रिज्म का काम करती हैं, इसलिए स्टार हमको जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। और प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट धरती के एज कम्पेयर टू स्टार, स्टार के मुकाबले में पास में होते हैं और लाइट जो है वो पास होते हैं और लाइट के ज्यादा रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलती, इसलिए हमको जो है वो जगमगाते हुए नहीं दिखाई देते। दैट्स द सिंपल आंसर। ऑन द अदर हैंड, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एज दे आर लोकेटेड नियर टू अस एज कम्पेयर टू स्टार, so the refraction of light does not occur much and planets do not seem to twinkle। मतलब ज्यादा लाइट की रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलती, इसीलिए प्लैनेट्स जो है वो चमकते हुए दिखाई नहीं देते। स्टार की बात करें तो रियल में तो वो भी चमकते नहीं है, बट जब उनकी तरफ से जो लाइट आती है ना, तो वो उसके कारण हमको उसकी पोजीशन जो है वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी अलग दिखती है, इसीलिए हमको वो चमकते हुए दिखाई देते। आई होप सो डियर्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है जो आपके डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन से भी रिलेटेड है। मतलब कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना रिफ्रैक्ट करेगी, उसी को हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। उसका पता हम कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब ये कैसे निकलता है, जिसका सीधा सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम में आप उसको निकाल रहे हो। मान लो हवा, आप वाटर में देखना चाहते हो कि हवा से वाटर के अंदर उसकी क्या है, जो भी मतलब मीडियम उसकी स्पीड क्या है, उस लाइट की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये फिक्स होता है 3.003 मल्टीप्लाई 10^8 मीटर पर सेकंड, इसको याद कर लीजिएगा। और v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर पानी की बात करें तो उसकी होती है 2.26 10^8 मीटर पर सेकंड। इन दोनों की रेशियो निकालोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का मिल जाएगा, इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वैसे देखिए अगर हवा की बात करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00277, आइस का 1.31, डायमंड का 2.417। तो इस तरीके से इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बात करते हैं, व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, जो आसमान का कलर है ये ब्लू क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इससे पहले हमने बात की थी कि जब भी, तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे और वहां पे हम इस बात को पकड़ते हैं कि हमने क्या बात की थी। हमने कहा था कि जैसे ही व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो सात कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो सात कलर के अंदर भी हमने कहा था जो वायलेट है ये सबसे क्या है, ज्यादा स्कैटर होने वाला कलर है, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और निकल के सामने आएगी, तो आपका क्वेश्चन देखिए, जैसे ही जैसे ही सूरज की तरफ से आने वाली रोशनी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो वो सात कलर में डिवाइड हो जाएगी। सात कलर में डिवाइड होने के बाद में, लेकिन ये जो सात कलर हैं ये कितने कितने, मतलब इसकी जो अमाउंट ऑफ लाइट है ये भी
ये भी वेरी करती है। जैसे वायलेट कलर की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब कितनी मात्रा में आपका वायलेट कलर जो है वो मतलब है उसकी मात्रा, तो मैं बात करूं जो वायलेट कलर की जो मात्रा होती है या इंटेंसिटी होती है, ये बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि इसकी स्कैटरिंग जो है ना हमारी आंखें पकड़ ही नहीं पाती। तो आप कह सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए जो इतना मतलब स्कैटर होने के बावजूद भी हमको नहीं दिखता। और जो इंडिगो और ब्लू है, इंडिगो और ब्लू, इसको थोड़ा सा करते हैं फिर से, और जो इंडिगो और ब्लू है ये दोनों आपस में मिलके ब्लू कलर का निर्माण कर लेती हैं, और ब्लू कलर जो है वही स्कैटर होता है और वही हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए आसमान हमको जो है वो ब्लू दिखाई देता है। जबकि वायलेट भी स्कैटर होता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कम होती है कि इसकी स्कैटरिंग हमारी आईज फाइंड आउट नहीं कर पाती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वायलेट और इंडिगो जो है ये आपस में मिलके ब्लू कलर का निर्माण करते हैं, और वो ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो जाता है, इसीलिए हमको आसमान जो है वो ब्लू दिखाई देता है। तो वास्तव में वायलेट कलर की भी रिफ्रैक्शन होती है, वायलेट कलर ही सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, लेकिन रीजन क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी जो सूरज की तरफ से जब लाइट एंटर करेगी उसके अंदर इनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। तो वायलेट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसके कारण जो है वायलेट कलर हमारी आंखें जो है वायलेट कलर को नहीं पकड़ पाती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सनलाइट रीचेस अर्थस एटमोस्फेयर एंड इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन बाय ऑल द गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर। मतलब सूरज की रोशनी जैसे ही धरती के वातावरण में एटमोस्फेयर में आती है तो वो स्कैटर हो जाती है सभी तरफ, गैस हवा के अंदर जो गैस हैं जो पार्टिकल्स हैं उनके कारण जो है वो स्कैटरिंग होना शुरू हो जाती है। और ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला कलर है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी होती है दूसरों के मुकाबले में। इसके ऊपर वाले कलर्स में देखिए थोड़ा सा ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू अदर्स इज स्मॉल। देखिए यहाँ पे तो ब्लू कलर ये आ गया, और इसके ऊपर ग्रीन येलो ऑरेंज इन सब के मुकाबले में ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी है, इसीलिए ये ब्लू कलर जो है ये स्कैटर हो जाता है। जबकि मैंने कहा कि वायलेट भी स्कैटर होता है, बट इसकी इंटेंसिटी यानी अमाउंट वो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं पाती हैं। और ब्लू और इंडिगो ये मिक्स होके ग्रीन कलर का निर्माण करके स्कैटरिंग देते हैं, इसीलिए आपको जो आसमान जो है वो कैसा दिखाई देता है, आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है। ठीक है जी, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाई स्काई लुक्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को जो आपका आसमान है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट ऊपर से देख रहे हैं धरती को तो वहां पे क्या है, वहां पे अब एटमोस्फेयर नहीं है, क्योंकि अब क्या हो रहा है देखिए, मान मान लो कि ये धरती है, ये एटमोस्फेयर है, और मैं यहाँ कहीं हूँ ऊपर। मैं कहाँ हूँ? आई होप सो लेट मी टेक दिस पेन। मान लो ये आपका एटमोस्फेयर आ गया, ये अर्थ आ गई, ये अर्थ, ये एटमोस्फेयर, और मैं यहाँ कहीं हूँ, एस्ट्रोनॉट यहाँ कहीं है। अब क्या हो रहा है, अब लाइट सीधी आ रही है, सीधा ट्रेवल करेगी, तो जो भी बंदा यहाँ होगा धरती पे होगा उसको तो रिफ्रैक्शन दिखेगा, सात कलर में डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो यूनिवर्स में है उसको आसमान कैसे दिखाई देगा? उसके लिए तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। क्या उसकी आंखों तक लाइट जो स्कैटर होकर लाइट पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो जब आसमान जब लाइट स्कैटर होकर उसकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो आपको चीज कैसी दिखाई देगी? ब्लैक दिखाई देगी। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप मान लो आप किसी मतलब अंधेरा है कमरे के अंदर, आप टॉर्च लेके चले गए, तो आपने एक साइड पर टॉर्च लगाई, तो यहाँ पे आप टॉर्च लगा रहे हो, जहां से लाइट स्कैटर हो रही है वहां तो आपको दिखेगा, लेकिन दूसरी साइड जहाँ लाइट नहीं है जब आप वहां देखोगे तो आपको ब्लैक दिखाई देगा। तो वैसे ही एस्ट्रोनॉट के साथ में ही होता है। एस्ट्रोनॉट जब ऊपर से देखते हैं, ऊपर कोई एटमोस्फेयर नहीं है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है, इसी के कारण आसमान कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू बिकॉज देयर इज नो एटमोस्फेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट। सनलाइट को स्कैटर करने के लिए कोई भी एटमोस्फेयर ऊपर नहीं है, तो कोई भी लाइट जो है वो स्कैटर होके उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती, इसीलिए ऊपर से आसमान जो है उनको कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द डेंजर सिग्नल इज रेड इन कलर। जो डेंजर सिग्नल है ये कलर में रेड क्यों होते हैं? इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, कोई ज्यादा है नहीं, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है जी, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जितने भी जो डेंजर सिग्नल होते हैं जहाँ पे खतरे का निशान होता है वो लाल कलर में होता है।
क्योंकि लाल कलर जो है इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो ये फॉग हो गया, रेन हो गया, एयर पार्टिकल्स हो गया, तो ये हमको वहां पे मतलब रेड कलर जो है वो दूर से ही विजिबल हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी इसकी जो वेवलेंथ है इसकी स्पीड जो है जो बहुत ज्यादा होती है। तो रेड कलर स्कैटर द लीस्ट, और ये रेड कलर जो है ये सबसे कम स्कैटर होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो रेड लाइट इज एबल टू ट्रेवल थ्रू, इसीलिए जो रेड लाइट है ये लॉन्ग डिस्टेंस फॉग, रेन, एयर पार्टिकल्स इन सब में भी ट्रेवल करने में कामयाब होता है। इसलिए जितने भी जो सिग्नल होते हैं जो जो जहाँ पे खतरा होता है तो वहां पे हम रेड कलर का साइन ही यूज करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। व्हाई सन लुक्स रेड इन कलर एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज। सो डियर स्टूडेंट्स की बात करें, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द होरिजन। तो क्या होता है थोड़ी सी समझते हैं, ये आपका होरिजन, स्टूडेंट्स लेट मी मेक, थोड़ा बन नहीं रहा। तो मान लेते हैं ये आपका क्या आ गया, होरिजन, ठीक है। तो सन कहाँ है, सन यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं। अब क्या हो रहा है, सूरज सूरज की तरफ से आने वाली लाइट को ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा सरफेस एरिया कवर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ज्यादा एरिया जो है वो कवर करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको पढ़ लेते हैं। एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट द सन इज नियर होरिजन। सन क्या होता है, बिल्कुल होरिजन पे होता है, और जो लाइट होती है इसको एटमॉस्फेयर का एक थिकर मोड, मोटा मोड जो है वो क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर स्ट्रॉन्गली। अब आपको पता है जो ब्लू लाइट होती है ये क्या करेगी, ये बहुत मतलब तेजी से स्कैटर कर जाएगी। इट टेंड्स टू बी स्कैटर्ड सेवरल टाइम्स, तो एक बार नहीं होगा, इसकी जो रिफ्लेक्शन है एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर होने के कारण कंटिन्यूअसली होगी। लेकिन अब सन कहाँ है, सन ऊपर नहीं है, सन बिल्कुल हॉरिजन पे है, तो क्या होगा, हमारी आंखों तक तो कौन सा कलर पहुंचेगा, जो डेविएट नहीं होगा, जो अपना रास्ता नहीं बदलेगा। तो एक ही कलर ऐसा जो अपना रास्ता नहीं बदलता, और वो कलर है रेड कलर। इसीलिए रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हमको जो सन है वो सनसेट और सनराइज के समय रेड दिखाई देता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये थे आज की क्वेश्चंस, आई होप सो आपको आज की ये क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट करके अपने विचार इस वीडियो पे जरूर दीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, जो जो भी आपका विचार है उसको जरूर डालिए। अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अपना प्यार जो है इस वीडियो को दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरीके से और भी अगली वीडियो जो है वो ला सकें। तो अब पार्ट टू में हम इसके बचे कुछ क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।